सुपर फास्ट खबरों की ओर। धसान नदी बाढ़ आने से 3 मजदूर बहे, ग्रामीणों की मदद, 1 घंटा चले रेस्क्यू के बाद बचाया। धसान नदी पर दूसरे रेलवे पुल निर्माण के काम में लगे थे मजदूर। हरपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चपरन में धासन नदी पर झांसी मानिकपुर रेलवे लाइन पर दूसरे पुल निर्माण के काम में लगे मजदूर नदी में अचानक पानी बढ़ने से बह गए। मजदूरों के नदी में बहने की सूचना पर मौके पर नौगांव तहसीलदार बीपी सिंह, टीआई याकूब खान, पटवारी आशीष पांडेय ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 1 घंटे में 3 मजदूरों को नदी बाहर निकाला। प्रशासन ने मजदूरों के बाहर आने पर राहत की सांस ली। बताया जा रहा है, देर रात से हो रही रुक रुक कर तेज बारिश से पहाड़ी बांध सुजारा से धासन नदी में पानी छोड़ जाने धसान नदी पानी अचानक बढ़ गया। जिस रेलवे पुल निर्माण के लिए बीच नदी में पिलर के मिट्टी का परीक्षण काम में लगे मजदूर अचानक नदी के पानी की तेज बहाव बह लोकेश, शैलेश, प्रवीण, चपरन, गौव के गोताखोर धुराम, मनीराम, रामदास, लवकुश, प्रकाश 5 लोगों ने कड़ी मशक्कत कर मजदूरों को बचा लिया। नदी करीब 500 मीटर से अधिक दूर तक ये लोग नदी के तेज पानी के बहाव में बह गए थे। हम नाव लेके अंदर गए थे और वो पानी आ गया तो रस्ता टूटा तो बह गए थे हम। फिर कैसे लोगों ने आपको बचाया? गांव वाले नाव लेके आए थे, वो बचाए। कितनी देर में आप नदी से बाहर निकल पाए? आधा घंटा लग रहा है, आधा एक घंटा। एक घंटे में बाहर आए? हाँ। कितने लोग बह गए थे आपके साथ? तीन। तीन लोग थे आप लोग? हाँ। क्या काम कर रहे थे? वो पुल का काम चलता है, वो नीचे देखते थे, टूट गए थे, चले गए। आज 100 नंबर वार्ड पर ग्रामवासियों द्वारा ग्राम चपरन से सूचना दी गई कि जो 3 मजदूर चपरन के पास रेलवे पुल के निर्माण के दौरान नदी में काम कर रहे थे, अचानक बारह से नदी में फंस गए। इस सूचना पर तत्काल मौके पर जाकर ग्रामवासियों की मदद से 3 लोगों को जो नदी में फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करके जान बचाई, उनको पार निकाला गया। मेरे हल्का पटवारी द्वारा मुझे सूचना दी गई कि धसान ग्राम चपरन में धसान नदी पर जो पुल है वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे तो अचानक तेज बहाव आने से बह गए। मौके पर हल्का पटवारी द्वारा ग्रामीणों के जो ग्रामीण थे चपरन ग्रामीण उनको उनकी सहायता से इन 3 व्यक्तियों को बचाया गया। बहने वाले थे प्रवीण भाई, शैलेश और नीतीश। कहाँ के रहने वाले सर जी लोग? ये सब गुजरात के रहने वाले हैं और ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हैं। रेलवे ब्रिज का काम चल रहा था? रेलवे ब्रिज का लगातार मैं ब्रिज का निरीक्षण करते रहते हैं, पिलर वगैरह मजबूत है कि नहीं है, उसी के निरीक्षण में लगे हुए थे। तभी तेज बहाव आने से ये लोग नदी में बह गए। जो गांव के जिन लोगों ने बचाया उनका नाम धूराम है, रामदास, मनीराम और लवकुश, प्रकाश, ये 5 लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के बचाया है। सर ये पानी जैसे छोड़ा गया पहाड़ी बांध से तो प्रशासन वाला कोई अलर्ट नहीं किया गया सर? पहाड़ी बांध से छूटा है या बांध सजारा से छूटा है इसकी अलग से कोई सूचना नहीं है, क्योंकि रात भर पानी तेज बारिश हुई है और इसमें एक और सुकनी नदी भी लगती है मौरानीपुर वाली, वो भी तेज बहाव से आकर यहाँ पे मिली है, जिसके कारण नदी का धसान नदी का बहाव बहुत तेज हो गया।